नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा नवीं के भूगोल में पाठ 3 बाह्य प्रक्रियाएं भाग 1 इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये पाठ 3 बाह्य प्रक्रियाएं भाग 1 उसका स्वाध्याय करते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। उसमें से पहला है, भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं? इसके उत्तर में आएगा पहला, चट्टानों के रासायनिक स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना उनके फूटने टूटने और कुछ भाग अलग होने की क्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। दूसरा, अपवर्णन, कणात्मक अपक्षय और खंडित विखंडित भौतिक अपक्षय के उदाहरण है। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है, रासायनिक अपक्षय के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? इसके उत्तर में आएगा पहला, रासायनिक प्रक्रिया के कारण चट्टानों का रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाता है और उनका प्राकृतिक रूप से विघटन होता है। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। कार्बनन, द्रवीकरण और भस्मीकरण रासायनिक अपक्षय के प्रमुख प्रकार हैं। दूसरा, बादल से जमीन पर आते समय वर्षा के पानी में सौम्य कार्बाम्ल तैयार होता है, इस प्रक्रिया को कार्बनन कहते हैं। कार्बनन की प्रक्रिया के कारण पानी में चूने के पत्थर जैसे पदार्थ सहजता से घुल जाते हैं। तीसरा, मूल चट्टान के कुछ खनिज पानी में घुल जाते हैं, इस प्रक्रिया को द्रवीकरण कहते हैं। द्रवीकरण के कारण चट्टानों के लवण घुलने से चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। और चौथा है, चट्टान का लोहा पानी के संपर्क में आने पर लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया होती है, इसे भस्मीकरण कहते हैं। इस क्रिया के कारण चट्टान का रासायनिक अपक्षय होता है। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया है, जैविक अपक्षय कैसे होता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, जैविक अपक्षय मनुष्य प्राणी तथा वनस्पति जैसे सजीवों द्वारा होता है। दूसरा, पुराने किलों, पुरानी इमारतों आदि वास्तुओं पर पेड़ पौधे उगाते हैं, इनकी जड़ें इन वास्तुओं की दरारों में विकसित होती है, इसके कारण चट्टानों के कणों में तनाव उत्पन्न होता है और चट्टानें टूटने लगती हैं। तीसरा, चूहे, घूस, खरगोश जैसे प्राणी तथा अन्य कृमि कीटक जमीन में बिल बनाते हैं, चींटियां बाम्बी बनाती हैं, इन सभी प्राणियों को खोदने वाले प्राणी कहते हैं। इन प्राणियों के खनन कार्य के कारण भी चट्टानों का अपक्षय होता है। और चौथा है, कई बार चट्टानों पर शैवाल या काई, पत्थर, फूल आदि वनस्पतियां उग आती हैं, इन वनस्पतियों के कारण भी चट्टानों का अपक्षय होता है। अब अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया है, अपक्षय और विशाल क्षरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्राकृतिक घटकों का चट्टानों पर प्रभाव पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानें टूटती हैं अथवा उनके खनिजों का विघटन होने से वे कमजोर हो जाती हैं, इसे अपक्षय कहते हैं। दूसरा, अपक्षय प्रक्रिया द्वारा अलग हुए कणों की केवल गुरुत्वीय बल द्वारा होने वाली हलचल को विशाल क्षरण कहते हैं। तीसरा, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय अपक्षय के मुख्य प्रकार हैं। और चौथा है, विशाल क्षरण के दो प्रकार हैं, तीव्र गति से होने वाला विशाल क्षरण और मंद गति से होने वाला विशाल क्षरण। अब अगला प्रश्न करते हैं, दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न कथन सत्य है या असत्य लिखिए, गलत कथन सही करके लिखिए। उसमें से पहला है, भूकंप पर मौसम का परिणाम होता है। इसके उत्तर में आएगा, यह असत्य कथन है। सुधारित कथन क्या है, भूकंप पर मुख्य रूप से आंतरिक भू हलचलों का परिणाम होता है। दूसरे में क्या दिया गया है, नम मौसम के प्रदेशों में भौतिक अपक्षय कम होता है। इसके उत्तर में आएगा सत्य। तीसरे में क्या दिया गया है, शुष्क प्रदेशों में भौतिक अपक्षय अधिक प्रमाण में होता है। इसके भी उत्तर में आएगा सत्य। अब अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, चट्टानों का चूर्ण अथवा चूरा बनना ही अपक्षय है। इसके भी उत्तर में आएगा सत्य। अब अगला करते हैं, पांचवे में क्या दिया गया, अपवर्णन से लाल चट्टानों की निर्मित होती है। इसके उत्तर में आएगा असत्य। सुधारित कथन क्या है, बेसाल्ट चट्टान के भस्मीकरण के परिणाम स्वरूप लाल चट्टानों की निर्मित होती है। अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न 3 में क्या दिया गया, निम्न प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पे अपक्षय की प्रक्रिया है, उसके कितने प्रकार है ये हमको यहाँ पे फील करना है। तो अपक्षय की प्रक्रिया में क्या क्या है, भौतिक अपक्षय है, रासायनिक अपक्षय है और जैविक अपक्षय है। भौतिक अपक्षय में दो प्रकार है, कणात्मक अपक्षय, खंड विखंडन, छिन्न भिन्न अपक्षय और दूसरा है अपवर्णन। और रासायनिक अपक्षय में 3 प्रकार है, कार्बनन, द्रवीकरण और भस्मीकरण।
जैविक अपक्षय में खोदने वाले प्राणियों द्वारा बिल तैयार करना, और दूसरा है चट्टानों की दरारों में वृक्षों की जड़ों के विकसित होने के कारण चट्टानों का टूटना, शैवाल, काई, पत्थर, फूल आदि वनस्पतियों के कारण चट्टानों का अपक्षय होना। अब अगला प्रश्न करते हैं, चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न वर्णन से अपक्षय के प्रकार पहचानिए। उसमें से पहला है कुछ प्राणी भूमि के अंदर बिल बनाकर रहते हैं, तो ये कौन से प्रकार का अपक्षय है, ये है जैविक अपक्षय। दूसरे में क्या दिया गया, चट्टानों के लोह में जंग चढ़ता है, इसके उत्तर में आएगा रासायनिक अपक्षय। तीसरे में क्या दिया गया, चट्टानों की दरारों में रिसा हुआ जल जम जाता है, परिणाम स्वरूप चट्टानें टूटने लगती हैं, इसमें आएगा भौतिक अपक्षय। चौथे में क्या दिया गया, शीत प्रदेशों में जल के नलों में दरारें पड़ती हैं, इसमें आएगा भौतिक अपक्षय। पांचवे में क्या दिया गया, बंजर प्रदेशों में बालू का तैयार होना, इसमें भी आएगा भौतिक अपक्षय। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, पांचवे प्रश्न में क्या दिया गया, अंतरजाल के माध्यम से भारत में भूस्खलन की घटनाओं को खोजकर जानकारी लिखिए। इसको आप लोगों को इंटरनेट से खोजना है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। भूकंप की वजह से भी यहाँ भूस्खलन होता है, जैसे 2011 में सिक्किम में भूकंप आने के बाद भूस्खलन हुआ था। कुछ छिटपुट भूस्खलन की घटना पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत, विंध्य पठार, रांची इत्यादि में भी हुआ था। पश्चिमी घाट में भूस्खलन का मुख्य कारण है पहाड़ों का तीव्र ढलान, पहाड़ों का अपरदन, पहाड़ों में विस्फोट करना इत्यादि। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 3 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।